उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। व्यापारी की भयमुक्त समाज के चली हो ही रहा है, बाकी व्यापारियों की समस्याओं को हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो व्यापार संगठन से समझ लीजिए, सबको चाय रास्ता बंद करवा जाएंगे, इसको नहीं आएगा। मैं सरकार से यही कहूँगा, जो अपने व्यापारी भाई लोग हैं पूरे प्रदेश में, उनको दुर्घटना जो बीमा 5 लाख है वो कम से कम बढ़ा के 10 लाख हो जाए, और जो मेडिकल नहीं मिल रहा है मेरी मांग है उसको कभी 10 लाख कम से कम दी जाए, जो कि हमारे 8 लाख व्यापारी उत्तर प्रदेश में हैं, उन सबको मेडिकल और सुरक्षा बीमा दी जाए। तो यही समस्या है, बाकी तो GST हम लोग के हित के लिए ही बनाया गया है, काउंसिल में पार्लियामेंट में पास हुआ है और हम लोग के हित के लिए ही किया जा रहा है काम, व्यापारी के हित के लिए ही GST लागू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और जो भी समस्याएं व्यापारी की आ रही है GST को लेके, या व्यापारी फेल हो रहा है या डिफॉल्टर हो रहा है, तो वो समस्याएं एक इंटरनली देख। लखनऊ महानगर इकाई का अध्यक्ष, हमारी ये संस्था जो है अपने लखनऊ के व्यापारियों के लिए जो साथ के साथ खड़े होकर के जो कर काम हो सके उसके लिए अग्रसर है और उसी पे काम करना चाहते हैं। आज का जो मुद्दा था हमारा मेन, कि ये जो GST की समस्या आज की तारीख में चल रही है, जिसमें सरकार 17-18 के केसेस खोल रही है, 17-18 के केसेस में जिन व्यापारियों ने इनपुट क्रेडिट ले लिया है, लेकिन जिन व्यापारियों ने बिल दिया वो बिल पोर्टल पर नहीं चढ़ाया है, लेकिन उत्पीड़न उस व्यापारी का हो रहा है जिसने इनपुट क्रेडिट लिया, जिसने माल भी लिया, बिल लिया, पेमेंट भी किया, उसके बाद भी उत्पीड़न उस व्यापारी का हो रहा है। हमारी सरकार से मांग ये है कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि जिस व्यापारी ने माल बेचा है उसके लिए कुछ सोचे, जिसने इनपुट क्रेडिट लिया है अगर वो अपने सारे दस्तावेज संपूर्ण रूप से प्रेजेंट करता है तो उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्या कुछ मुद्दों पर विशेष बातचीत में विचार विमर्श हुआ? हम लोगों का जो भी व्यापारिक समस्याएं हैं उसके ऊपर सारा विचार विमर्श हो रहा है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेश अग्रवाल जी पूर्व सांसद हैं, और प्रदेश अध्यक्ष माननीय नितिन अग्रवाल जी जो एक्साइज मिनिस्टर इस सरकार में वो हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य व्यापारियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाना है। व्यापारी अपने काम में लगा रहता है और राजनीति से थोड़ा सा दूर भागता है, तो हमारे संगठन का मेन उद्देश्य उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाके, और राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी किसी चीज़ में, जैसे अब लोकसभा चुनाव आ रहा है तो हम लोग का उद्देश्य है कि जैसे जो मजबूत आदमी लगता है कि लोकसभा के लड़ने के इच्छुक है, तो उसके हम लोग पूरा विचार विमर्श करके माननीय अमित शाह जी को अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से लेटर भिजवाएंगे, और जो उनका निर्णय होगा उसमें हम लोग उनका स्वागत करेंगे। क्या कुछ सरकार की कुछ विशेष मांग व्यापारी संगठन की तरफ से है क्या? इस सरकार की देखिए भयमुक्त समाज आज हमको मिला हुआ है। इस सरकार की तरफ से व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा था, पहले व्यापारी को उठा ले जाते थे, अपहरण होता था, फिरौती मांगते थे। आज की सरकार में कहीं कोई आपको घटना सुनने को नहीं मिलती है कि कहीं कोई अपहरण हुआ हो या किसी के यहाँ डकैती हुई हो, और मान ली कोई घटना होती भी है तो उसका 2 से 3 दिन के अंदर पर्दाफाश भी तत्काल हो जाता है। तो व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी चीज भयमुक्त समाज, इस सरकार में योगी जी ने जितने बदमाश हैं सबको सलाखों के पीछे डाल दिया। इस संगठन का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में इसकी 76 शाखाएं हैं पूरे जिले में, और माननीय नितिन अग्रवाल जी ने करीब 40 सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक कर चुके हैं। आगे भविष्य संगठन के ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को जोड़ना है, और लोकसभा चुनाव आ रहा है तो हम लोग का उद्देश्य है कि माननीय मोदी जी को बहुत भारी बहुमत से ज्यादा से ज्यादा सीटों से जिताया जाए, जो पिछली बार की संख्या से उससे भी प्लस करके हम लोग उसको देख रहे हैं।